ये देख सकते हो इधर बोटिंग है, बोट है ये इधर साइड, ये राम झूला। ये देखो दोनों साइड का, ये पानी आ रहा है और ये देख सकते हो इधर के साइड का व्यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम ऋषिकेश से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पहले पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, हम होटल में आके रुके थे, तो हम ऋषिकेश के नाइट व्यू दिखाया था आपको, जितने नाइट व्यू था। तो अब हम यहाँ से सुबह रेस्ट उठ करके सुबह 9, 7, 7, 7:30 बज गए हैं। तो अभी हम यहाँ से बस चेकआउट करके अब अंदर चलते हैं और मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं आपको ऋषिकेश का। देखो जो हम जोन से रूम पर रुके थे, तो वो ये देख सो यहाँ से व्यू उसका मसूरी का, ऋषिकेश का देखो कितने प्यारा व्यू आ रहा है। अब बस अब हम यहाँ से चेकआउट करके अब निकलते हैं आगे, देखते हैं बाहर बाहर के चलते हैं, तो चलते हैं तो और ज़्यादा काफ़ी भीड़ मिलेगी। ये हम यहाँ से अंदर ऋषिकेश मेन उसके एंट्री करने वाले हैं, तो अब इधर से हम बस अंदर की साइड जाएंगे जहाँ की साइड राम झूला लक्ष्मण झूला है। अब ये देख सकते हैं इधर सारा ब्रांड बाइक का रेंट मिलती है, इधर रेंट पर बाइक मिलती है, और इधर ऋषिकेश में इधर की साइड में ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग की दुकानें काफ़ी मतलब है, ड्राफ्टिंग हो गई और जी इधर वो इधर ये रूट जैसे दिल्ली से जा रहा है जो सामने वाला, ये दिल्ली हरिद्वार से है, हमें इस बार नीचे को जाना है और इधर को नीचे को जाके हम अब इधर को चलेंगे। तो गाइज हम इस टाइम पहुंच चुके हैं राम झूले के पास में, ये देख सकते हो यहाँ पानी कितनी तेज चल रहा है, पानी बड़े कितना स्पीड से चल रहा है, और ये रहा राम झूला इधर। और अब हम इसके पास पास में चलेंगे, पास में इधर से निकल रहे हैं और इधर देख सकते हो आप कितना बढ़िया हो, इतना शांत पानी चल रहा है, इतनी तेज़ी है लहर पानी की, आराम से नहा सकते हैं हम यहाँ, सही पानी बढ़िया पानी है। और अब हम से निकलते हुए अब आगे ऊपर लक्ष्मण लक्ष्मण राम झूले के ऊपर चलेंगे और इसमें चलते हुए दिखाएंगे आपको अंदर, और चल के दूसरी साइड चलेंगे और वहाँ चल के नहाएंगे। बस अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम राम झूले के ऊपर चल रहे हैं और राम झूला क्रॉसिंग कर रहे हैं इधर से, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये पानी, पानी में व्यू कितना प्यारा आ रहा है इधर, और देख सकते हो इधर कितना प्यारा व्यू चल रहा है। और हम इधर से निकलते हुए जा रहे हैं और देख सकते हो ये देखो ये है राम झूला मेरा, मैं राम झूले को पकड़ सकेंगे, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, हवा बहुत दूर तक की लग रही है इधर से, हवा बहुत प्यारी आ रही है। और इधर से निकल के अब हम दूसरी साइड गएंगे, देख सकते हो ये देखो दोनों साइड का, ये पानी आ रहा है और ये देख सकते हो इधर के साइड का व्यू, और इधर की साइड का देख सकते हो काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह, जितनी नॉर्मल इतने वो भी नहीं है पर इतना क्राउड काफ़ी है। और देख सकते हो इधर ये गाइड कर रहे हैं अंकल को, अंकल ने राजस्थान से गाइड ले रखा है अंकल ने। तो बस ये देख सकते हो इधर बोटिंग चल रही है, इधर इधर वाली साइड में बोटिंग चल रही है, ये देख सकते हो इधर। तो बस अब चलते हैं आगे भी निकलते हैं और आगे क्रॉसिंग करके हम सोच रहे हैं अगर अब की बार इधर वाली साइड ना आ जाए, इधर गोवा बीच वाली साइड। अब जब हम बस यहाँ से ब्रिज राम झूला पार कर रहे हैं और पार करके अब यहाँ से निकल के सीधा हम सोच रहे हैं उधर चले जाए, गोवा बीच साइड है वो, उधर चल के उसके बाद कभी भी दिखाएंगे आपको, फिर हम इस साइड ही आके नहाएंगे साइड ही दूसरी साइड में, ये इधर सीढ़ी उड़ी लग रही है ना इधर की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि वरना इधर कभी ना सीढ़ी उड़ी नहीं है, केयरफुल नहीं है और कुछ भी हो सकता है उधर पानी में, तो इसलिए पार करके नहीं जाएगा उधर। तो अब यहाँ से निकलते हुए सीधा अब हम पहले उधर की साइड निकलेंगे, सब चलेंगे आगे दिखाएंगे आपको आगे चलते हुए। ये देख सकते हो इधर सब काफ़ी बड़ा ब्रिज है और काफ़ी बढ़िया सुंदरता है इधर, इधर बस क्राउड भी काफ़ी है इधर, तो ये क्या होने में। तो हम उस वाले रूट पे आ गए हैं गोवा बीच वाले रूट पे, जैसा मिनी गोवा वाला जो रूट है, तो वो अभी इधर से निकल के आगे देख सकते साइड में कुर्सी पड़ी है और इधर से निकलते हुए आके सीधा इधर ही पहुँचेंगे अंदर, और उधर पहुँच के सीधा आपको दिखाएंगे कि कैसा व्यू है, पूरा लाइव दिखाते हैं आपको। और ये देखते हो इधर से कट रहा है रास्ता, ये बंद करा गया है साइड से है, जैसे रास्ता कट रहा है देख सकते हो, पर हम मेन अगले वाले से निकलेंगे, दूसरे दूर ज़्यादा नहीं है तो वही हिसाब है, अगली वाली साइड से निकला जाएगा, चल के आगे पहुँच के दिखाते हैं आपको। ये देखिए साइड देख सकते हो
काफ़ी इतना क्राउड नहीं है, पर सुबह सुबह अभी तो 8 ही बजे हैं उधर देखो ये देखो सुबह सुबह ही कितना क्राउड दिख रहा है उधर। ये देख रहे हो आप कितना क्राउड, काफ़ी क्राउड दिख रहा है उधर की साइड में। ये देख सकते हो उधर से, ये कोई यहाँ से है आगे से जो सीढ़ियाँ हैं उधर से उतरा जाएगा और इधर से निकल के सीधा उधर से देख सकते हो उधर पूरा वो मिनी स्विट्जरलैंड वाला इधर का सीन है पूरा। आगे चलते हुए दिखाते हैं आपको सारा व्यू, देख सकते हो इधर से निकला जाएगा ये रूट पर इधर से, और इधर से आके ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं इधर से, और इधर से सीढ़ी से उतर के अब ये है देखो सामने कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितना प्यारा सीन लग रहा है देख सकते हो इधर। और उधर लग रहा है ना पूरा ऐसा लग रहा है कि हम कि ऋषिकेश नहीं आके कहीं किसी और से उसमें आए हैं, इसमें गोवा में। वो देखो राफ्टिंग सुबह ही राफ्टिंग हो चुकी है, देखो आप राफ्टिंग सुबह ही हो चुकी है तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। इधर से बस निकलते हैं देख सकते हो आप उधर क्राउड कितना है, जितने भी आते हैं सब बढ़िया सीन है इधर, क्राउड काफ़ी है इधर। और इधर से देख सकते हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि गोवा में घूम रहे हैं हम, क्योंकि इधर बैरिगेटिंग नहीं है और सीढ़ी भी नहीं है और रेत में जो मिट्टी है वो काफ़ी ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है कि ये गोवा में होती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सीन लग रहा है, देख सकते हो तुम स्विमिंग कर रहे हो भाई, पर केयर क्योंकि स्विमिंग करो तो केयरफुली करनी चाहिए। अब आगे चलते देखते हैं हम भी नहाए यहाँ नहाए या कहीं होना है देख से चल के देखते हैं यहाँ पे कि नहा यहाँ नहीं नहाएंगे यहाँ सही नहीं होता केयरफुल नहीं होता, तो हम सोच रहे हैं अब ना वहीं चल के नहाए, पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है नहाएंगे या नहीं नहाते किधर नहाएंगे भी तो किधर नहाएंगे, और आपको सारी नॉलेज देंगे सारी जानकारी देते हैं आगे चलते हुए ब्लॉग में। और ब्लॉग में बने रहें और कंटिन्यू शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और नए से बड़े ब्लॉग आएंगे और आगे चलते दिखाते हैं आपको सारा व्यू। तो भाई सबसे हम वहाँ से अब चल चुके थे क्योंकि वहाँ में नहाने वाले साथ तो सही नहीं था, बहुत कम पानी था और मिट्टी उट्टी बहुत काफ़ी रहता रहता तो शरीर भी रहता बहुत चिपक रहा था वो, तो वहाँ नहाने का हिसाब नहीं था सही। तो अब यहाँ से फिर निकल के अब वहाँ जहाँ पे नहाने का बड़े स्थान बना हुआ है वहाँ पे चल के नहाएंगे, और नहा के जब आगे वहाँ पहुँच के दिखाते हैं अपने पहुँचने वाले हैं कि कैसे हिसाब है। वहाँ तो बढ़िया ही है वहीं चल के नहाएंगे क्योंकि यहाँ तो सही हिसाब नहीं था। अब जब वहाँ पहुँचने वाले हैं बस 5 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ से पहुँच के चल के दिखाते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे नहाने के स्थान पहुँच चुके हैं और नहा के यहाँ से अब जब बस अब हम यहाँ से निकल के और नहाएंगे आगे चल के, और कपड़े उपड़े काल के जब भाई हम तो यहाँ पे देखा कहाँ भीड़ काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, हमने सोचा किधर किधर को निकला जाए तो भीड़ चेंज देखने के लिए कहीं सही सही हिसाब, तो हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ नहाएंगे बैग यहाँ रख ले, बैग रखने के बाद में अब यहाँ पे देखो से छीद है पीछे इतनी काफ़ी वो है क्राउड, और इधर भी देख सकते हो काफ़ी क्राउड है इधर। अब यहाँ पे बस नहाएंगे आगे देखता हूँ यहाँ पे इधर की साइड में देखो पाना का साहब ये इधर नहाया जाएगा इधर नहाएंगे, ये देख सकते हो ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ है और इधर काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं काफ़ी क्राउड है। ये बस ये जैसे बस आती हैं घूमने के लिए तीर्थ स्थल पर, जैसे राजस्थान से एक बस आई हुई है ऐसी काफ़ी टाइम काफ़ी जगह से बस आई है, और अपने नॉर्मल हिसाब से भी आए हैं पर एक जो बस आती है उनमें भी काफ़ी आए हुए हैं। देखो छोटे बच्चे साथ में नहाया जा रहा है, ये देखो तो इधर सब इधर हो रही है सब करे इधर नहाने के लिए हिसाब है, डंडे उंडे लगे हुए हैं बैरिगेटिंग है इधर क्या नाम जंजीर उंजीर लगी उससे पार जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है, और उससे इधर इधर नहाना चाहिए जब जब नहाओ तो वही बेस्ट है। इससे इधर नहीं हम तो इससे इधर इधर नहा जाएगा। अब यहाँ पे बस नहा के अपना कपड़े निकाल के नहाते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको तो आगे नहाने के बाद में नहाते हैं चलो दोनों। गाइस तो हम फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं, नहाए अभी काफ़ी ठंडा पानी था, ठंड में हालत खराब हो चुकी थी, इतनी गर्मी होने के बावजूद इतना ठंडा पानी था कि डुबकी लगाने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर हमने जैसे तैसे करके डुबकी लगाई। अरे देखो सोचते हो पीछे बोटिंग वोटिंग हो रही है, नहा रहे हैं काफ़ी बंदे नहा रहे हैं, बस अब नहा के निकले हैं, अब नहा के बस अब रेडी हो गए और बस चलने की तैयारी है, यहाँ से निकलते हैं और निकल के सीधा लखनऊ ऋषिकेश निकल के, और सोचते हैं कहीं ऋषिकेश में और इधर उधर दिखाते हैं आपको घूम जितने भी जो भी विजिटिंग एरिया है सब विजिट कराते हैं, और फिर निकलते हैं हरिद्वार को, हरिद्वार दिखाएंगे आपको सारा, चलते हैं आगे से निकल के दिखाते हैं। और बस अब हम यहाँ से रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलेंगे आगे सीधा लक्ष्मण झूले की साइड, और फिर यहाँ से लक्ष्मण राम झूले लगते हुए निकल जाएंगे।
ये देख सकते हो उधर बोटिंग आ बोट है ये इधर साइड, ये राम झूला। अरे एंट्री हो चुकी है राम झूले पे। अब हम यहाँ से एक बार राम झूला के लिए एंट्री करके अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा बिना इसे पार करके ब्रिज को, और फिर हम मेन ऋषिकेश के अंदर पहुँचेंगे पार्किंग पे, और जिसे सीधा पार्किंग से निकल के अपने बाइक ठहर के जब आधे निकलेंगे। देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस दिन का और नाइट का। पिछले ब्लॉग में व्यू था मेरा ये, इस किसी ने नहीं देखा तो जाकर लास्ट ब्लॉग देख सकते हो, उसमें नाइट व्यू है कितना बहुत प्यारा व्यू था। और ये इस टाइम डे का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है ये देख सकते हो इधर। ये काफ़ी फॉरेनर भी आए हुए हैं, काफ़ी सब अलग 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 सिटी के अलग तरह जगह के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सब बढ़िया फुल इंजॉय हो रहा है देख सकते हो आप इधर। ये इधर से है और जो राफ्टिंग हो रही है वो उधर से राफ्टिंग हो रही है, ये देख सकते हो इधर से राफ्टिंग के लिए ये राफ्टिंग की बोट आ रही है इधर से, और फिर उधर से बस निकलते हुए और सीधा आप जा पार करके आगे पहुँचेंगे सीधा निकलेंगे यहाँ से। ये देख सकते हो उधर की बुरी सी केस में, ये देख सकते हो उधर राफ्टिंग के लिए बोट हो रही है, ये इधर है राफ्टिंग, यहाँ से यहाँ आती है वहाँ ख़त्म होती है उधर ये पुल के पास में, और बस फिर सीधे यहाँ से रूट निकल जाए, ये सामने वाले रूट पर निकलेंगे हम इसके पीछे, और बस अब यहाँ से फिर चलते हैं। देख सकते हो ऋषिकेश में कितना फुल वाइब रहता है, किसी भी टाइम किसी भी मौसम में आ जाओगे तो बढ़िया वो रहेगा। यहाँ काफ़ी फॉरेनर भी हैं, काफ़ी हर जगह जगह के अलग अलग तरह जगह के लोग हैं, तो अब यहाँ इस टाइम राम झूले पे हैं और राम झूले से निकलते हुए इधर से और सीधा फिर अपना पहुँचेंगे पार्किंग में, और पार्किंग में पहुँच के सीधा हम फिर निकलते हैं अपना बाइक उठा के निकलेंगे इधर से। और अभी नहाए थे तो कहीं हमें कुछ हिसाब मिला नहीं, तो बाल ऐसे इस टाइम बिखरे हुए लग रहे हैं, तो बस अब निकलते हैं अपना कहीं कहीं और अपना देखते हैं कहीं ना कहीं कि अब इधर से राफ्टिंग के लिए किधर से ले करेंगे, देखते हैं राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और हम सोचता रखा है राफ्टिंग के लिए टाइम मिला तो हम राफ्टिंग भी करेंगे, और फिर हम किसी कुछ काम भी था हमें तो वो काम करके और तो आगे चलेंगे। देख सकते हो मेरे पीछे ये पीछे फॉरनर सारे अलग अलग जगह के लोग हैं, आगे चलते हैं बस आगे पहुँचते हैं। गाइस हम यहाँ से पार्किंग में से बाइक उठाई है, बाइक उठा के हमने सोचा ना बहुत काफ़ी तेज भूख भी लग रही थी तो हमने सोचा नाश्ता लिया किधर से कर जाए, तो हमें अंदर के रेस्टोरेंट में भी गया था मैं पीछे देख सकते हुए रेस्टोरेंट में गया था मैं इस बार रेस्टोरेंट में, तो फिर वहाँ पे भीड़ हो रही थी काफ़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी भीड़ की वजह से तो हम अंदर रुके नहीं, क्योंकि अंदर का भीड़ में तो हालत ख़राब हो रही थी तो टाइम बहुत लग जाता, तो इसलिए हमने पैक कराया अपना नाश्ता पैक करा के इस वाले रेस्टोरेंट में से, तो यहाँ से पैक करा के भेज दे कितने का भीड़ हो रही है पैक करा के नाश्ता, तो नाश्ता यहाँ से पैक कराया, और फिर अब जब हम चलते हैं आगे कहीं ना बीच में नाश्ता करेंगे, और फिर नाश्ता करने के बाद से तो फिर हम निकलेंगे हरिद्वार, मिलते हैं आपको चलते आगे पहुँचने वाले हैं जब थोड़ी देर में हरिद्वार पहुँचेंगे हरिद्वार पहुँच के मिलेंगे आपको आगे हरिद्वार में, देखते हैं हरिद्वार में घूमेंगे हरिद्वार में मिलेंगे घुमाएंगे आपको ब्लॉग में हरिद्वार में जितनी चीज़ें हरिद्वार का दिखाएंगे, और पहुँचते हैं चलते हैं हरिद्वार। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार पहुँचते हुए हमें एक से डेढ़ घंटा लग चुका है, हमें काफ़ी हम बीच में रुके थे आपको बताया था हमने अपने ब्लॉग पहले कि हम अभी रुकेंगे बीच में नाश्ता वास्ता करेंगे, तो हम वहाँ पर रुके तो नाश्ता वास्ता करके तो हम चले, तो देख सकते हो मेरे पीछे मनसा देवी मंदिर का मंदिर दिख रहा है पीछे साइड, आपको कैमरे वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि धूप का बहुत काफ़ी चीज़ है तो इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है, तो अब उल्टा करके दिखाता हूँ अगर आपको उसमें दिख जाए तो बैक कैमरा उसमें दिख रहा है ये साइड से देख सकते हो दे रहा है ये मनसा देवी मंदिर, ये मनसा देवी मंदिर के ठीक हम सामने खड़े हैं इधर, और देख सकते हो हाँ मनसा देवी मंदिर, और अब हम यहाँ से बस अब जो हरिद्वार में चलते हैं प्रेम नगर आश्रम में घूमेंगे, इसके बाद फिर प्रेम नगर आश्रम के बाद में आश्रम घूमेंगे, प्रेम नगर आश्रम के बाद में हम फिर चल के एक काम था तो वहाँ काम करना है, एक काम निपटाना है हमें काम से आए थे तो वो हमें काम करके फिर हम यहाँ से हम दो देखते हैं 2 से 3 बजे अभी निकल जाएंगे, अभी टाइम इतना नहीं है, अभी टाइम कम ही है काफ़ी, तो आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ सफाई चलती है तो यहाँ पे जितने इस्तेमाल के चलाया जाए तो अच्छा है। बस अब जो हम यहाँ से निकलेंगे हमें एक काम था वो निपटा के हमें यहाँ पे काम उस काम में 2 से 3 घंटे लग ही सकते हैं, इसलिए हम वो काम करके देखेंगे जल्दी से जल्दी काम निपट जाए, तो उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर हम अपना बीच और निकलेंगे और चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है काम करने, उसके बाद मिलते हैं काम करने वाले। तो गाइस हम इस टाइम हरिद्वार पहुंच चुके थे, आपको दिखाया था मैंने जो काम था हमने वो काम कर चुके, और इस टाइम हम निकल गए हैं यहाँ से,
ये देख रहे हो आप, यहाँ से हम प्रेमनगर आश्रम का वो है, ये प्रेमनगर आश्रम के पुल के पास से निकल रहे हैं और प्रेमनगर से आगे था हमारा काम तो कुछ था, वो काम करा फिर और प्रेमनगर आश्रम की साइड है ये इधर, और इधर से बस अब हम निकल रहे हैं, रास्ते में हैं और इधर से बस अब हम चलने की तैयारी पूरा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं किधर चला जाए, अब हम हर की पैड़ी पर पहुँचेंगे, हर की पैड़ी पर आपको दिखाएंगे, हर की पैड़ी आपके हर की पैड़ी मिले हुए दिखाते हैं सारा कुछ, तो जो भी कुछ हर की पैड़ी पर कि कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है या कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं, जो भी कुछ होगा ना सारा कुछ दिखाते हैं आपको हर की पैड़ी पर चल के। तो बस भाई ये है ओमपुल, ये ओमपुल प्रेमनगर आश्रम से पीछे हर की पैड़ी से आके, तो हम इस टाइम ओमपुल क्रॉसिंग कर रहे हैं, ओमपुल क्रॉस करते हुए और बस थोड़ी देर में हम ओमपुल क्रॉस करते हैं, आप क्रॉस कर चुके हैं इधर से, इसे कहते हैं ओमपुल वाला ब्रिज, ये जो कटिंग जो अंदर को हरिद्वार से अंदर को रास्ता आ रहा है, तो इधर से कट करके सामने को पुल जा रहा है सीधा, गले में देहरादून जाना है या ऋषिकेश जाना है तो सीधा सामने को हमें हर की पैड़ी पर जाना है, तो इधर को ये अलग अलग दो रास्ते हैं जो हर की पैड़ी के लिए साइड से कट जाते हैं, और अगर हमको जाना है ये वाला वो है रेस्टोरेंट वो है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी, हम तो हर की पैड़ी पहुंचे, इतना भीड़ नहीं है, सही पड़ रहा है, पानी गंदे टाइम वो है, बारिश बारिश पड़ रही है पहाड़ों पे, तो मटेला पानी आ रहा है, तो आप इधर देख सकते हो मेरे पीछे ये है पुल, क्या नाम पीछे पुल देख रहे हो सारा हर की पैड़ी का पुल है, ये तो उसका धनुष वाला धनुष के जैसा धनुष बाण होता है उस टाइप का पुल है यार। हम यहाँ पे गए तो काफ़ी भीड़ है, सही बढ़िया क्राउड है, तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे सब ये स्टॉल दुकानें बेच स्टॉल लगा रखी है, स्टॉल बेच दुकानें लगा रखी है सारी स्टॉल की, तो इधर बस अगर हम चल रहे हैं थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से, थोड़ा बहुत देखते हैं अंदर और पीछे जाएंगे क्या हो रहा है पीछे, कितने मार्केट में चलेंगे अंदर हर की पैड़ी की और दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग में नीचे जल बिल्कुल गंगा जी में शिवलिंग रखी हुई है और यहाँ पे श्रद्धालु आके नहा रहे हैं और इसे यहाँ पे अपना जल चढ़ा रहे हैं। बस चलते हैं अंदर से, लोग देखते हैं हर की चौट की पिछले मार्केट है, बाकी मार्केट में क्या क्या है चल के बताते हैं अंदर को चलते हैं। तो गाइस अंदर मार्केट में इतनी भीड़ नहीं है, सही है, बढ़िया चीज़ है, अगर आना है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑफ सीजन पे, कोई ऐसा कोई त्यौहार नहीं है कोई ऐसा वो नहीं है, तो ऑफ सीजन पे बढ़िया चीज़ मिलेगी, आओ अपना घूमो, बढ़िया इतना भीड़ नहीं है। और अभी हम अंदर गए थे मार्केट में, तो हमें सही बड़े जो देखने को देखा बढ़िया घूमे, और फिर हम अब यहाँ से देख चलने की तैयारी करते हैं, और देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ मनसा देवी मंदिर भी है, तो छोटे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये रहा मनसा देवी मंदिर का टेम्पल है, ये मनसा देवी जी का टेम्पल है, और इधर से देख सकते हो सारा ये इधर छोटी वाला है जो फेमस छोटी वाला हरिद्वार का, और जी इधर देख सकते हो पुल, अगला जो पुल है वो ये वाला है जिससे आते हैं, इधर पानी चल रहा है बढ़िया, और इधर मार्केट लगा हुआ है, इधर की साइड ये छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं मेरे पीछे पीछे देख सकते हो आप, छोटी बड़े सस्ते में माल मिलता है, इतना महंगा माल नहीं मिलता, अब बढ़िया माल है भी, ये देख सकते हो इधर सारा, इधर बढ़िया कभी भी आओगे तो ये किसी भी टाइम आ जाओ हर वो टाइम ये यहीं मिलते हैं, और बढ़िया लाइटिंग, अभी तो इतने टाइम लाइट नहीं दिख रही, थोड़ा सा टाइम जब अंधेरा हो जाएगा ना उसके बाद देखना आप लाइट अलग ही दिखेगी। बस ये देख सकते हो त्रिशूल पुल, पीछे भगवान भोलेनाथ जी की तस्वीर है, और ये धनुष का ज़्यादा पुल है ये। अब बस अब चलते हैं बाहर, हम चल सोच रहे हैं कि बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, ज़्यादा रात हो जाएगी तो बस अब चलते हैं, मिलते हैं हम आपको बिजनौर पहुँचने पहुँच के दिखाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं, चलो चलते आगे, मिलते हैं आगे चलते हुए रास्ते में।